हाय एवरीवन, आई एम रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ सूर्य की, या पूरे आप मंथ की बात समझ सकते हैं। मई 2022 की बात करने वाली हूँ। ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल गया है, यानी 12 तारीख आज है, लेकिन रेस्ट ऑफ मई में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। काफ़ी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह बदल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। स्पेशली मार्स और वीनस की बात करने वाली हूँ। जैसे ही मार्स और वीनस अपनी जगह बदलेंगे, उसके बाद जो एनर्जी चेंज होएगी, सारे ही जोडिक साइन है उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है, डेफिनेटली पड़ने वाला है। उसके अलावा चंद्रमा रेगुलरली अपनी जगह बदल रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं, और सूर्य जगह बदल रहे हैं। अभी ऑलरेडी राहु के साथ एक मेष राशि में है, उच्च के सूर्य हैं, बट कंजक्शन उनके साथ है राहु का। सूर्य अपनी जगह बदलेंगे 15 मई को 2022 को और जाएंगे टॉरस में। टॉरस में ऑलरेडी बुध है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था बुध के बारे में, डायरेक्ट रेट्रोग्रेड एंड डायरेक्ट, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है इस साल में दोस्तों, क्योंकि ट्रांजिट जो है रेगुलरली हो रहे हैं। प्लैनेट्स अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं, अपने जो इफेक्ट्स है वो चेंज कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उसके अलावा कई जॉडिक साइन हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स। जब भी मैं ट्रांजिट का वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, उसके पहले मैं एक लाइन जरूर हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी, आपकी दशा क्या चल रही है इस वक्त आपकी होरोस्कोप में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेडिक्शन फॉर योर फ्यूचर। खाली ट्रांजिट को देखना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज अगर आपकी दशा चल रही है किसी और प्लैनेट की, तो ट्रांजिट कोई भी प्लैनेट कर रहा है तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम 50-60% आई कैन से कि आपको इफेक्ट करेगा वो प्लैनेट, बिकॉज जो दशा जो प्लैनेट होता है, जिसकी दशा चल रही है इस वक्त, वही प्लैनेट आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज वो प्लैनेट उस वक्त एक्टिव होता है आपके होरोस्कोप में, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो। लेकिन जो दशा चल रही है, महादशा की बात कर सकती हूँ, अंतर दशा की बात कर सकती हूँ, प्रत्यंतर दशा की बात कर सकती हूँ, जो भी दशा चल रही है आपके प्लैनेट में, आपके होरोस्कोप में, वही प्लैनेट आपको इफेक्ट करेगा। एक डिफरेंट तरीके से करेगा। अगर वो महादशा में प्लैनेट है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तरीके से आपको इफेक्ट कर रहा है। अगर वो प्रत्यंतर दशा में है और अंतर दशा में है तो थोड़ा कम रूप में इफेक्ट करेगा, बट इफेक्ट वही प्लैनेट करेगा। तो अपनी होरोस्कोप में आपकी दशा क्या चल रही है प्लैनेट की, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ट्रांजिट की बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। मैं सूर्य ट्रांजिट की बात कर रही हूँ। 15 मई को सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस में, जिसे मैंने आपको बताया है। सूर्य भी उच्च के चल रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन अपने प्रभाव को उनको कहीं ना कहीं लैग फील हो रहा है, या ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, या वो उतना ज़्यादा आई कैन से अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पावर दे नहीं पा रहे हैं। सारे जॉडिक साइन की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका कंजक्शन चल रहा है राहु के साथ। राहु ऑलरेडी सिटिंग है इन मेष राशि। जैसे ही सूर्य चेंज होते हैं 15 मई को, काफ़ी चीज़ें बदलेंगी और अच्छे लेवल पर बदलेंगी। मंगल ऑलरेडी शनि के साथ बैठे हुए हैं, चेंज होने वाले हैं। मैं आपको टाइम बताती हूँ मंगल कब चेंज होने वाले हैं। मंगल चेंज हो रहे 17 मई को चेंज हो जाएंगे और वो आ जाएंगे पाइसिस में। यानी कि ऑलरेडी जहाँ पर वीनस और जुपिटर बैठे हुए हैं वहाँ मंगल आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो शनि की जो ब्लेसिंग्स है वो मिलना आपको शुरू हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी शनि एक्ट लाइक अ मंगल राइट नाउ, बैठा मंगल के साथ है और मंगल का ही धनिष्ठा नक्षत्र है, उसमें अभी शनि विचरण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसी तरह के इफेक्ट दे रहा है। बट 17 मई को जैसे ही मार्स चेंज होते हैं, अपनी जगह बदलते हैं, ट्रांजिट करते हैं पाइसिस में, तो शनि भी रिलैक्स होगा और अपनी प्रॉपर जो उसकी इफेक्ट्स है वो देना शुरू करेगा एज ए शनि, एज ए सैटर्न। ओके, उसके अलावा सन मैंने बताया 15 मई को चेंज होने वाले हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। वीनस चेंज हो रहे हैं 23 मई को। फ्रेंड्स, ये पूरा जो महीना है, पिछले दो महीना और ये जो महीना है, इसमें रेगुलर ट्रांजिटिंग चल रही है प्लैनेट्स की, तो मैं आपको बताने वाली हूँ सारे जितने जॉडिक साइन हैं उन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्पेशली मैं अभी सिर्फ बात करूँगी सन की, सूर्य की। ग्रहों का राजा होता है, आपकी आत्मा का कारक होता है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सन की, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में फेम चाहिए, सफलताएं चाहिए, वो सारी ब्लेसिंग चाहिए जिसके लिए एक इंसान को इस दुनिया में जीना होता है, तो आपको सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बायोलॉजिकली भी अगर हम जाते हैं तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो सन के द्वारा ही होती हैं, आत्मा का कारक होता है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले सन अभी ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस में, तो टॉरस वालों की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं टॉरस में आ रहे हैं सन, ऑलरेडी से वहाँ पर
मरकरी बैठे हुए हैं लेकिन मरकरी पर रेट्रोग्रेड होने हैं, लेकिन जैसे ही सन आपके आएंगे तो मरकरी हो जाएंगे कॉमर्स्ड, तो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन का फील होगा डेफिनेटली। सन अगर आते हैं आपके टॉरस में डेफिनेटली आपको रिलैक्स करेंगे, और ऑलरेडी सन 12वें घर में चल रहे थे, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, वृषभ राशि वालों की बात कर रही हूँ, 12वें सन चल रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफें आ रही थी, खर्चा बढ़ रहा था, लेकिन अब रिलैक्सेशन का माहौल है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रुकी हुई थी इन दिनों आप कर सकते हैं, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, नए डिसीजन आप ले सकते हैं और नई कुछ ऊंचाइयाँ भी छू सकते हैं। स्पेशली आपकी अगर आपका ऑनलाइन कुछ काम आप करते हैं, ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पहले से ही मरकरी बैठे हुए हैं, तो टॉरस वालों के लिए अच्छा समय आने वाला है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स आप अपना करें, स्पेशली अगर आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं या अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं, बट जाने के लिए नई संभावना होती है मुझे नज़र नहीं आती है, ठीक है। तो ये टॉरस वालों के लिए बता रही थी। उसके बाद बात करते हैं आपके लिए मिथुन राशि वालों को। मिथुन राशि वालों के लिए आ रहे हैं 12वें घर में, ठीक है। कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए पूरा साल ही बहुत अच्छा है। मैंने जितने भी ट्रांजिट वीडियो बनाए हैं उसमें मिथुन राशि वाले यानी जेमिनाइज वालों के लिए बेटर साल होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो आने वाला टाइम है यानी 15 मई से 15 जून की बात करती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। नए डिसीजन ना लें, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम्स आ सके, स्पेशली आपके मनी मैटर्स को लेकर के। इन्वेस्टमेंट से बचे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा एक नई आई कैन से फैसले ना लें, स्पेशली मनी वाइज को लेकर के। 15 जून के बाद आपका टाइम अच्छा आ सकता है, अच्छा आएगा ही, लेकिन अभी थोड़ा एक महीना थोड़ा सा आपके क्रिटिकल हो सकता है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की यानी कि कर्क राशि वालों की। आपके 11th हाउस में आ रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है, कमाई के साधन बढ़ेंगे, कुछ ऊंचाइयां हैं जिनको आप छूना चाहते थे, हो सकता है आपका परमानेंट कोई जॉब में भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो सके, हो सकता है, क्योंकि मरकरी बैठे हुए हैं, इसीलिए मरकरी और सन का जहाँ कंजक्शन आ रहा है आपके 11th हाउस में आ रहा है। कर्क राशि वालों की बात कर रही हूँ, कैंसर्स वालों की बात कर रही हूँ, मरकरी ऑलरेडी से वहाँ बैठे हुए हैं और सन आ रहा है, यानी एक डिज़ायर प्लेस है, 11th हाउस इज योर डिज़ायर प्लेस, इनकम प्लेस, गेनिंग प्लेस इन योर लाइफ, इन योर होरोस्कोप। तो डेफिनेटली कैंसर्स वालों के लिए वो जो चीज़ें जो रुक रही थी उनमें कुछ इजाफा होने की संभावनाएँ हैं। ऑलरेडी से आपके 10th हाउस में विचरण कर रहे थे सन, लेकिन बिकॉज ऑफ द राहु कंजक्शंस बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे आपको, लेकिन आप जैसे ही राहु से अलग होते हैं सन तो रिजल्ट्स अच्छे देना शुरू करेंगे आपको। डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रूटीन इनकम बढ़ सकती है, जॉब अगर ट्राई कर रहे थे वहाँ पर जॉब के लिए आपके आ सकता है, एक आई कैन से अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उसके अलावा आपके जो कैंसर के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, मून है, मून और सन दे आर गुड फ्रेंड, यानी उनकी मैत्री है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो दिस इज़ द गुड टाइम फॉर कैंसर्स, डेफिनेटली गुड टाइम है, तो इस चीज़ को आप कैश कर सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। स्पेशली रूटीन इनकम की बात कर रही हूँ, आपके जॉब की बात कर रही हूँ, अच्छा समय आ सकता है। उसके बाद करती हूँ मैं लियोज़ की। लियोज़ के लिए आ रहे हैं 10th हाउस में, या 10th हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करती हूँ, हाँ 10th हाउस में आ रहे हैं लियोज़ के जो लॉर्ड हैं वो खुद ही सन हैं, यानी अपने ही राशि लॉर्ड सूर्य ही हैं, 10th हाउस में आ रहे हैं। 10th हाउस में सूर्य का आना लियोज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स से जुड़ सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रहे हैं, या आपने कोई ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है रिलेटेड ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज सूर्य इज़ अ गवर्नमेंट, सूर्य जे अगर सूर्य प्रधान जो भी लोग होते हैं वो गवर्नमेंट का ही काम करते हैं मैक्सिमम, तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लियोज़ वालों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा समय है। 15 जून तक की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, और लियोज़ के जो मैंने बताया स्वामी खुद सन है, तो ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे लेवल पे आपको मिल रही है, तो इस चीज़ को आप कैच कर सकते हैं। 15 जून तक का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है करियर को लेकर अगर मैं चल रही हूँ। उसके अलावा अगर आप अपने पिताजी के बिजनेस में भी एंट्री कर रहे हैं या उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू। आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आप को, आपको सफलता मिलेगी, उसके साथ साथ आपको एक अच्छी आई कैन से पोस्ट भी मिलेगी कि हाँ मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, उसके अलावा आपका जो मान सम्मान बढ़ने की भी संभावना है। लियोज़ वालों के लिए वाकई अच्छा समय है। वर्गो वर्गोज़ वालों की बात कर रही हूँ, आपके आ रहे 9th हाउस में,
वर्गोस वालों के लिए पिछला एक महीना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहा है, बिकॉज एट्थ हाउस में सूर्य जो है विचरण कर रहे थे, उसके अलावा राहु के साथ कंजक्शन में थे, वर्गोस वालों को प्रॉब्लम आई है, या कुछ अपॉर्चुनिटीज में लेस हुई है, या कुछ उनको स्पेशली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन अब समय बदल रहा है। आपके आ रहे हैं नाइन्थ हाउस में, 15 जून तक का जो समय है नए फैसले लेने का समय है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, रिचुअल्स कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए अगर आपको सफलता चाहिए, बिकॉज डेस्टिनी प्लेस, नाइन्थ हाउस इज अ डेस्टिनी प्लेस फॉर इन योर हॉरोस्कोप। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, वहाँ सूर्य का आना और ऑलरेडी वहाँ पर मरकरी का बैठना, दिस इज़ वेरी गुड टाइम। अगर आपकी कुंडली में, अगर आपके हॉरोस्कोप में सूर्य की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या दशा चल रही है, प्रतंत्र दशा चल रही है, तो ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट वाला टाइम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सूर्य अपने सेवंथ एस्पेक्ट से आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो डिज़ायर प्लेस को भी देख रहे हैं, मान सम्मान बढ़ने की संभावना है। नया ऐसा कुछ चीज़ जो आप करना चाह रहे थे, या नया ऐसा कदम जो आप उठाना चाह रहे थे, दिस इज़ द गुड टाइम फॉर यू वर्गोस, आप कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी भी साथ में है, नई डील साइन कर सकते हैं, नया ऐसा कोई काम जो कि आपकी मेहनत करने के बावजूद आपको नहीं मिल रहा था, या आप कुछ आई कैन से कुछ ऐसी चीज़ों से अटके हुए थे, तो वो अटक से आपका दूर होने की संभावना है, हर्डल्स दूर होने की संभावना है, बिकॉज सूर्य आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं डेस्टिनी प्लेस में बैठ करके। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, वेरी गुड टाइम, और घर से निकलते समय अपने पिता के चरण को छूके जाइए, उनका ब्लेसिंग्स लीजिए, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम। एक ब्लेसिंग्स आप जैसे आपको अपने पिता इज सूर्य तुल्य होते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसमें सफलता मिलती है, तो वर्गोस वालों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि आपके नाइन्थ हाउस में आ रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ लिब्रास की, लिब्रास के लिए आ रहे हैं एट्थ हाउस में, सूर्य लिब्रास में ऑलरेडी से नीच के बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं लिब्रास वालों को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्पेशली मनी मैटर को लेकर के। पैसा डूबने की संभावना है, नए इन्वेस्टमेंट ना करें, नए फैसले ना लें, नई चीज़ों में पैसा डालने से पहले आप सोचिए कि आपको डालना है या नहीं डालना है, सोच समझ के अपने मनी को जो है आप इन्वेस्ट कीजिए। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहने वाली हूँ कि आपको अपने ऑलरेडी से मरकरी में बैठे हुए हैं बुध, एक और बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है बिकॉज ऑफ द सूर्य, कोई बीमारी कह सकती हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें जिस वजह से कि आपको सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले करनी पड़े, बैड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट गुड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी फैमिली को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ वाइज सबका ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा संभल के रखिए। लिब्रास वालों की बात करी हूँ, तुला राशि वालों की, ये जो समय है थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, मनी को भी सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि सेवन्थ एस्पेक्ट से सूर्य देख रहे हैं आपके सेकेंड हाउस को, यानी आपके धन वाले स्थान को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ा लॉस होने की संभावना मुझे नज़र आ रही है, तो थोड़ा संभल कर चलिएगा, ठीक है। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर लेती हूँ, स्कॉर्पियोज वालों के लिए आ रहे हैं ये सेवन्थ हाउस में, अच्छा समय है, स्कॉर्पियोज का जो लॉर्ड है मंगल है, सूर्य बहुत अच्छी मैत्री है, लेकिन स्कॉर्पियोज वालों के लिए हर वीडियो में ये लाइन कहती हूँ कि आपका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज करता है। सूर्य आके बैठे सेवन्थ हाउस में, अपनी रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, विथ योर स्पाउस, इसको आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जब वहाँ बैठे हैं, सूर्य वैसे भी सेवन्थ हाउस में नीच के बैठते हैं लिब्रास में, और आपके सेवन्थ हाउस में आकर के बैठ रहे हैं साथ अगले एक महीने के लिए, तो थोड़ा स्कॉर्पियोज वालों को अपने पार्टनर्स के साथ में कोई भी ऐसा डिबेट, लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन नहीं रखना चाहिए, इस चीज़ को क्लियर करके चले, वरना आगे जाकर के प्रॉब्लम्स बड़ी हो सकती हैं। उसके अलावा स्कॉर्पियोज वालों का जो इगोस्टिक नेचर है, मोस्टली सबका होता है, स्कॉर्पियो की जितनी भी राशि होती है, अपने नेचर की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़्यादा डैमेज हो सकती है, बिकॉज सूर्य सेवन्थ हाउस में बैठे हैं, ईगो को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सेवन्थ एस्पेक्ट से देख रहे हैं आप ही को, आपका ईगो बढ़ा सकते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग बैड हो सकता है, थोड़ा ब्लंट आप बोल सकते हैं, अपने अगर आप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो उसका भी ख्याल रखिएगा, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, स्कॉर्पियोज की बात कर रही हूँ, क्योंकि सूर्य की वजह से हो सकता है कि आपका जो ईगो है, आपका जो नेचर है, वो ज़्यादा एरोगेंट हो जाए, तो इस चीज़ को थोड़ा संभल के चलिएगा, बहुत बड़े फैसले ना लें। I mean, अगर आपको लग रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा अलग हो, मतलब उस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो रेगुलरली, कि नहीं यू वांट टू फाइट,
चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, या आपका ऐसा कोई इंसान हो जो आपके साथ रहता हो, जो आपके करीब रहता हो, उससे भी थोड़ा अवॉइड कीजिए, लड़े झगड़े से बचिए। स्कॉर्पियस वालों की बात कर रही हूँ मैं, और ईगो को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सेजिटेरियस वालों की, यानी धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों के लिए आ रहा है सिक्स हाउस में, कानूनी पचड़ों से दूर रहें। सेजिटेरियस वालों का जो लास्ट मेरा वीडियो बनाया था उसमें ही मैंने आपको ये लाइन कही थी, कानूनी पचड़ों से थोड़ा सा बच के चलिए। सेजिटेरियस वालों के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि सेजिटेरियस वालों का जो राशि लॉर्ड है वो है गुरु, और गुरु की जो थोड़ी आई कैन से स्टबन जो नेचर होता है, हट जो होता है, उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और अब आपके सिक्स हाउस में आकर बैठे हैं सूर्य, सेवंथ एस्पेक्ट से आप देख रहे हैं ट्वेल्थ हाउस, कहीं ना कहीं चीज़ों से बचिए। बहुत बड़े फैसले लें, स्पेशली आपके फॉरेन से रिलेशंस अगर हैं, लेकिन फिर भी बड़े फैसले ना लें। अगर कोई ऐसा आपके कोर्ट केस चल रहा है या कोई इस तरह की बात आपको चल रही है, तो उस चीज़ को अभी अवॉइड करें, बड़ी लेवल पे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली आपके लीवर का, पेट संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेट संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना या अपना फूड का ख्याल रखिए, आप जो खाना खा रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और टेंशन ना थोड़ा कम लें, उसकी वजह से भी आपके पेट में प्रॉब्लम आ सकती है। सेजिटेरियस वालों को ये अगला एक महीना हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा। और एक छोटी सी रेमेडी आपको बताना चाह रही हूँ सेजिटेरियस वालों की, कि सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, सभी को चढ़ाना चाहिए, अच्छा रहता है, सूर्यदेव अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन स्पेशली सेजिटेरियस वालों के लिए कह रही हूँ, बिकॉज जैसे सूर्यदेव को आप जल चढ़ाते हैं तो जो वाटर गिरता है उससे आपकी को रिलैक्सेशन फील होगा, एक कामनेस फील होगी आपको, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। अब मैं बात करूँ कैप्रिकॉर्न वालों की, राइट और राइट, हाँ कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ मैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आ रहे हैं आपके फिफ्थ हाउस में, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये समय जो है नई जॉब मिलने के अच्छे आसार हैं। कैप्रिकॉर्न का जो, क्योंकि कैप्रिकॉर्न अभी क्या फ्री बैठा है, ये बात है, क्योंकि शनि निकल चुका है आपके एक्वेरियस में चला गया है, मंगल निकल चुका है, तो कैप्रिकॉर्न जो है बहुत रिलैक्स वाली राशि हो रही है, और सूर्यदेव आए हैं आपके यहाँ पे फिफ्थ हाउस में विचरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न को नई अपॉर्चुनिटीज़ आप हैंडल कर सकते हैं, ले सकते हैं, मिल सकती है। शनि की राशि है, नो डाउट शनि आपसे जॉब करवाता है, और सूर्यदेव आपके पास फिफ्थ हाउस में आके बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक जॉब मिल सकती है, रूटीन इनकम मिल सकती है, लव रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा ईगो शांत रहे, ज़्यादातर डिसीजन शाम के समय करें, दिन में ना करें, अगर आप बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो, स्पेशली लव लाइफ की बात करूँ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। और शनि आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो मनी मेकर जो टाइम है, स्पेशली 17 मई के बाद आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर मिलेगी, क्योंकि मार्च सेकंड हाउस को छोड़ करके ट्रांजिट कर जाएंगे इन पाइसिस, या 17 मई के बाद, तो दो मतलब 15 मई को सूर्य आएंगे फिफ्थ हाउस में, 17 मई को मार्च ट्रांजिट कर जाएंगे थर्ड हाउस में, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, रूटीन इनकम के लिए अच्छा समय है। उसके अलावा अगर आप प्लानिंग कर रहे थे कि मैं बाहर जाके जॉब करूं, तो पॉसिबल है आफ्टर 17th मई आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले, क्योंकि मार्च आपके थर्ड हाउस में विचरण करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग करके भी आप उस चीज़ को, जॉब को हासिल कर सकते हैं, या ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, बट इन पॉजिटिव वे, क्योंकि सेकेंड हाउस में शनि है, तो आपको नो डाउट आपको बैंक तो भरेगा आपका, ठीक है। अब बात करती हूँ एक्वेरियस वालों की, आप क्या रहे हैं फोर्थ हाउस में, अच्छा समय नो डाउट, मन थोड़ा विचलित रह सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस का सूर्य जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एनकरेज तो करता है काम करने के लिए, लेकिन आप जब भी वो कोई काम करते हैं तो आपका अहम साथ चलता है, तो एक्वेरियस वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा अहम को दूर रखिएगा। इसके फोर्थ हाउस में सूर्य आ रहा है, कहीं ना कहीं सेवन्थ एस्पेक्ट से आपके करियर हाउस को भी देख रहा है, आप जो भी काम करते हैं उसमें अपने पिता को इन्वॉल्व जरूर करें। इससे क्या होगा, एक्वेरियस का जो लॉर्ड है वो शनि है और सूर्य उसके पिता है, जैसे ही आप कोई काम कर रहे हैं, स्पेशली एक्वेरियस वालों के लिए कह रही हूँ, अपने पिता को इन्वॉल्व कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, तो भी आपका, अगर आप पैसा लेके जो घर में आ रहे हैं, अपने पिता को उनके अपने हाथ में दीजिए, उनके हाथ में दीजिए, इससे क्या होगा, आपको प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, उनका ब्लेसिंग्स मिलेगा, वो खुश होंगे। आपको अपने पिता को खुश रखना है, उनका ब्लेसिंग्स लेना है,
उसके बाद ही आपको वो सब चीज़ें हासिल होती है ज़िंदगी में जो कि आपको चाहिए, स्पेशली राइट नाउ जो एक अगला एक महीना है एक्वेरियस वालों के लिए, क्योंकि फोर्थ हाउस में आपके सूर्य विचरण कर रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई नया मकान बना रहे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं या आपको प्लान कर रहे हैं, उसमें अपने पिता का को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पिता आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो अपनी माता को इन्वॉल्व कर सकते हैं, सेम चीज़ है नो डाउट। अपने घर के पूर्व दिशा में आप पानी का कोई स्रोत भी रख सकते हैं। ये एक वास्तु का छोटा सा टिप दे रही हूँ मैं एक्वेरियस वालों को, क्योंकि अभी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है आपकी। आप मेरा लास्ट वीडियो जो मैं देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगी, स्पेशली एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छी मैंने रेमेडीज उसमें भी दी है। टाइम अच्छा है, थोड़ा अपना ईगो शांत कीजिएगा और जितना एनकरेजमेंट आपको मिलता है उस चीज़ को भी काम उसका काम कीजिए, खाली दिमाग से सोच के मत रखिए, उस चीज़ को आपको करना भी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट जो राशि है पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए आ रहे हैं थर्ड हाउस में, बहुत ही अच्छा समय है पाइसिस वालों के लिए। ऑलरेडी से या थर्ड हाउस में आ रहे हैं पाइसिस के लिए, ऑलरेडी से आपके जो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं जुपिटर, जुपिटर बहुत अच्छे से ब्लेसिंग दे रहे हैं। और थर्ड हाउस में सूर्य का आना यानी आपकी मान सम्मान फेम में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना है। रिचुअल्स रेगुलर कीजिएगा दोस्तों, आपके कलीग्स और आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड सर्किल है, अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावनाएं हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर टाइम रहेगा स्पेशली अगला एक महीना, स्पेशली पाइसिस वालों की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि थर्ड हाउस में सूर्य का आना, विदेशों से सम्मान मिलने की संभावनाएं हैं। बहुत अच्छी जो चीज़ें आप सोच रहे थे मुझे प्रसिद्धि मिले या मैं कोई ऐसा काम करूं, अवार्ड, यू कैन गेट सम गुड अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, दुनिया आपको जानना शुरू कर सकती है। बहुत अच्छा नया काम भी आप शुरू करना चाहते हैं तो दिस वेरी गुड टाइम फॉर पाइसिस, और डेफिनेटली अच्छा समय है। बट रिचुअल्स करना मत भूलिएगा क्योंकि सेवन एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके नाइन्थ हाउस को, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। पाइसिस वालों की बात कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ फाइनली राशि यानी कि एरीज वालों की। आपके आ रहे हैं ये सेकेंड हाउस में, एरीज वालों की बात करें सेकेंड हाउस में आपके सूर्य आ रहे हैं, अच्छा समय है नो डाउट। लेकिन ऑलरेडी एरीज में जो है राहु का कंजक्शन, राहु अब विराजे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच समझने की जो शक्ति है या प्लानिंग की जो शक्ति है या आप जो प्लान करते हैं उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। आप है एरीज, आपका जो राशि लॉर्ड है वो कुछ मंगल है, सूर्य के फ्रेंड है, बट राहु का बैठना तो आपकी जो प्लानिंग्स है वो लाइक राहु चल रही है इस वक्त। सेकेंड हाउस में सूर्य बैठे हैं, फैमिली में कुछ डिबेट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग चल रही थी कि मुझे कोई विल वसीयत या सडन पैसा मिले तो हो सकता है इस समय आपको मिल सकता है। प्लानिंग्स पर ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे थे, आपके प्लान्स क्या थे, आपने उन चीज़ों को किस तरह से ठीक करना है। देखिए राहु जो है, राहु क्या काम करता है, आपको बुरी प्लानिंग्स में भी चला जाता है या आपके प्लान्स जो हैं षड्यंत्र वाली आप सोचते हैं, दूसरों को डैमेज करके भी अपना काम निकालते हैं, सेल्फिशनेस नेचर रहता है राहु का। बट आपकी जो राशि है वो है मंगल प्रधान, तो आपका जो थॉट है उसको थोड़ा चेंज कीजिए और सेल्फिशनेस से बाहर निकल के दूसरों की हेल्प करने के हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए। अपनी चीज़ को पाने का ये एक और तरीका हो सकता है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा और इससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिलेगी और सूर्य जो है उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था फॉर द सन ट्रांजिट, और नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी मैं मार्स ट्रांजिट एंड वीनस ट्रांजिट का भी, क्योंकि इफेक्ट्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं सारे जॉडिक साइन पर। सूर्य, एक छोटी सी रेमेडीज मैं आपको देना चाहूँगी सूर्य के लिए, वो है सूर्य को जल चढ़ाना, हमेशा चढ़ाना चाहिए सारे जॉडिक साइन को, अच्छा रहता है, सूर्य की ब्लेसिंग्स मिलती है। उसके अलावा अपने पिता के चरण छूइए, उनके ब्लेसिंग्स लीजिए। उसके अलावा एक और रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है, अगर आपका सूर्य आपके होरोस्कोप में नीच का है या ऐसे स्थान पर बैठा है जहाँ कि आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे रहा है, तो आपके जो बहुत बड़े फैसले हैं उनको शाम के समय लें या रात के समय लें, दिन के समय बड़े फैसले लेने से बचें। ये बहुत बड़ी एक रेमेडी है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि दिन में अगर सूर्य आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके फैसले जो है या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो शाम के समय ले, इंटरव्यू देना है या किससे मिलना है या आपको बिजनेस मीटिंग करनी है, तो इसको शाम को या रात के समय मतलब आप कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। आपको अच्छा आई कैन से अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सफलता मिलेगी नेचुरली। तो मेरा छोटा सा वीडियो था, और कीप वॉचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब करना तो बेहद ज़रूरी है। थैंक्स फॉर सपोर्ट मी एंड गुड बाय।